ईदुज़्ज़ोहा बकरीद के त्यौहार को सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, लोग बहुत परेशान हैं। अगरचे महाराष्ट्र की विकास अघाड़ी सरकार जो श्री उद्धव जी के नेतृत्व में चल रही है, अगर यह फैसला कर देती कि भाई मुसलमानों तुम्हें बकरीद में कुर्बानी करने का कोई हक नहीं है, एक भी बकरे हम शहर में नहीं आने देंगे, तो लोगों का इतना करोड़ों का नुकसान नहीं होता, उनके बकरे मरते नहीं। एक तरफ कह दिया सरकार ने कि ऑनलाइन बकरे खरीदो, अब ऑनलाइन बकरे तो खरीदेंगे तो लाएंगे कि नहीं लाएंगे शहर के अंदर, शहर में कोई मार्केट नहीं लगेगी, तो लोग लाएंगे तो कैसे लाएंगे, गाड़ी से लाएंगे। अब एक आदमी अगर बकरा खरीद रहा है नासिक के अंदर, एक आदमी कहीं खरीद रहा है, दो दो बकरे खरीद लिया, 20 आदमी ने 40 बकरे हो गए, और वो ट्रक पे टेम्पो में ला रहे हैं, तो पुलिस उनको मार रही है, उनके केस कर रही है, और हजारों बकरे लाइन में खड़े मर गए नाकों के ऊपर गुजरात के बॉर्डर पे, महाराष्ट्र में एंट्री के बाद बकरे मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, और देख लीजिए उद्धव जी कुछ लोग खुदकुशी भी करेंगे। किसानों के साथ, मुसलमानों के साथ आपने जुल्म किया है। आपने कह दिया कि हाँ कुर्बानी होगी, उसमें कोई रुकावट नहीं, तो कैसे होगी, जानवर नहीं मिलेगा। तो मुझे बहुत अफसोस से साथ कहना पड़ रहा है कि हम जिस सरकार को मदद कर रहे हैं, कहते हैं जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हम ही को काट खाने को। हम हर बात पे तैयार हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग पूरी होगी, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, घरों में नमाज पढ़ेंगे, कुर्बानी बहुत कम होगी, कम बहुत कम जानवरों की होगी, और आपने हर बात को एग्री किया, आपने कहा कुर्बानी होगी और सब लोग कुर्बानी अपने अपने घरों में करो, अपने इलाके में करो, लेकिन बकरा आएगा नहीं तो कैसे कुर्बानी होगी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं बहुत दुखी हूं आज, कोई सुनने वाला नहीं। आठ आठ मंत्री जाकर के उद्धव जी से बात कर रहे हैं, उनका कोई जवाब ही नहीं, और पुलिस कमिश्नर ने ऑर्डर कर दिया, लोगों को मार रहे हैं, लोगों की बद्दुआ लग जाएगी। आज जो हालात देश के हैं, लोग परेशान हैं, लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे यहां से जमा करके, किसानों ने बड़ी मेहनत से बकरे पाले थे कि बकरी आएगी तो हम जाके बेचेंगे और मेरी बेटी की शादी करेंगे, बच्चे को की फीस देंगे, बाप का इलाज करेंगे, और आपने सब की उम्मीद पर पूरा का पूरा पानी फिरा दिया। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं बहुत दुखी हूं आज। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैंने नंबर नहीं दिया कि मैं मदद करूंगा, किसी ने ऐसे ही हमारा बिना पूछे नंबर डाल दिया, मैं मदद करने को 24 घंटे तैयार हूं, लेकिन जब सरकार का कानून ये हो जाएगा कि बकरे आने नहीं देंगे, तो मैं कैसे मदद कर सकता हूं। हाँ, मदद उस वक्त हो सकती थी कि सरकार कहती नहीं बकरे आने दो, और पुलिस रोकती, कोई आरएसएस का कोई मजंगदा का रोकता, तो मैं आपकी मदद करने आता। मैं क्या करूं, मैं 3 दिनों से मैं शायद सोया भी नहीं कायदे से, मुझे एक एक मिनट में एक फोन आता है और मैं लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भाई मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम मजबूर हैं, हमारी सरकार सुनने को तैयार नहीं। इवन उद्धव साहब, मैं आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कुर्बानी का परमिशन दिया है, सिर्फ ऐसे जानवर जो मना है, गाय हो, बैल हो, बछड़े, इस सब पे कुर्बानी को छोड़ करके सब लोग कुर्बानी करो, गोश्त को छुपा कर ले जाओ, ले आओ। लेकिन आपने तो गजब कर दिया साहब, अबू आसिम आजमी।